जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि सभी को पता चल गया होगा कि इंडियन एयरफोर्स ने रैली भर्ती निकाली है, और यहाँ पर ये बात ध्यान देना है कि ये किन किन राज्यों के लिए निकाला गया है और इसमें होता कैसे है। ये हर साल निकाला जाता है, पहले ये समझते हैं कि रैली भर्ती होता क्या है। तो रैली भर्ती में आपका एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन होता है। आपको सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम होगा और तुरंत ही आपका फेस टू होने लगता है। तो ऐसा कुछ होता है रैली भर्ती में, और ये हर साल निकाला जाता है। कुछ ही राज्यों के लिए निकाला जाता है, हर हर बार अलग अलग राज्यों के लिए ये चूज किया जाता है। तो इस बार कौन कौन से राज्य हैं रैली भर्ती के लिए देख लेते हैं। तो इस साइड जो दिखा रहा है, इस साइड ये दिखा रहा है कि किन किन राज्यों के लिए है, और ये जो दिखा रहा है ये है किन किन डिस्ट्रिक्ट के लिए। राज्यों के जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे उनमें से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो बताएगा यहाँ पर। तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है रिक्वायरमेंट रैली फॉर अनमैरिड मेल सिटीजन ऑफ नेपाल एंड नेपाल फ्रॉम द डिजाइनेड डिस्ट्रिक्ट स्टेट फॉर्म गुजरात यूटी एंड दमन दीव एंड दादर नगर हवेली। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि अगर इन स्टेट से हो, इन इन स्टेट से हो तभी आप ये फॉर्म फिल कर पाओगे। तो इसमें से कुछ ज़िले हैं जैसे कि ये डिस्ट्रिक्ट दिखा रहे हैं, अगर यहाँ से आप बिलोंग करते हो तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं यूपी का हूँ, बिहार का हूँ, उत्तराखंड का हूँ, तो आप सब नहीं फिल कर पाओगे, तो उनके लिए नहीं है। और जो गुजरात से बिलोंग करते हैं उनके कुछ सिटी है वहाँ से आप फॉर्म क्या होता है कि फॉर्म तो भरना नहीं है, डायरेक्ट आपका सेंटर बताएगा वहाँ पर आपको जाना है। तो अभी इसका मतलब कि पूरा डिटेल नहीं आया है, जैसे ही इसका पूरा डिटेल अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। तो इसका जो एज होता है कितना है, 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच में इसका एज क्राइटेरिया है। इस एज में होंगे तो आप फॉर्म क्या फिल करना है डायरेक्ट आप जा सकते हो। और देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा 17 फरवरी 2020 में होगा आपका एग्ज़ाम, 17 फरवरी 2020 और 19 फरवरी 2020, मतलब 17 से 19 के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये सारी कुछ है, और ये देखो यहाँ पर लिखा है 10+2 होना चाहिए। तो ये सब कुछ है, अगर आप रैली भर्ती देना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और भी अगर कोई डिटेल चाहिए तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, कि कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसका पीडीएफ, अगर आप एयरफोर्स के पीडीएफ चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ। वहाँ पर मैं डेली पीडीएफ अपलोड करता रहता हूँ, अब एयरफोर्स का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके लिए मैं पीडीएफ डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो वहाँ से आप पीडीएफ, इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और उससे अच्छा खासा आपका प्रिपरेशन हो सकता है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।